आगे बहुत अच्छी हो, और जब हम इसको छोड़ देते हैं तो फिर बोर लगने लगता है, लाइफ बोरिंग लगने लगती है, इसलिए हम ज़्यादातर टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम फ़ोन पे ही गुजारते हैं। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं थोड़ा बहुत ही इस आशा को, बस बोलते ना, एक उम्मीद जैसी बस रखूँगी, उससे ज़्यादा बोलते हैं कि जहाँ ये मेरी चीज़ों को परेशान करने लग जाए उस हद तक नहीं जाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ ने बहुत परेशानियाँ दे दी हैं। मैं कई बार दूसरे यूट्यूबर्स को भी चेक करती हूँ, पता है किस लिए, कंटेंट के लिए नहीं, रेगुलरिटी के लिए, कि कैसे वो इतना हार्ड वर्क कर लेते हैं। ये भी तो एक हार्ड वर्क है। आप लोगों को मोटिवेशन मिल जाएगी, क्योंकि मैं नहीं जानती मेरे अंदर अभी क्या चलता है, ये मोटिवेशन है कि क्या है, या एक अलग दुनिया है जहाँ मैं जी रही हूँ। क्योंकि मैं ऐसी बिल्कुल ही, मैं बहुत ज़्यादा लेजी व्यक्ति थी। आज जो बंदा एक्सरसाइज कर रहा है आपके सामने पूरे टाइम, बोलते ना कि जान लगा दे रहा है अपनी, वो बंदा बहुत लेजी था। जो सुबह उठता था 11 बजे था, 12 बजे सुबह उठता था, जो लाइफ में बहुत अनमोटिवेटेड रहता है, उसे आज आप देखेंगे कि पता नहीं कहाँ से उसको मोटिवेशन आ गया, किस तरीके का आ गया। बात अलग है कि मैंने रियलाइज़ कर लिया है और आप रियलाइज़ नहीं कर पाए। ये जो बेड बनाने वाला नियम है ना, ये मैं बहुत पहले से फॉलो करती हूँ, बेड बनाती हूँ। आपने एक बुक पढ़ी होगी आर्मी वाली, एक आर्मी कैंडिडेट की बुक थी, बेस्ट सेलर हो गई बुक, की व्हाई यू शुड मेक योर बेड एवरी डे। Thank you.
कैसे, तो एक्सरसाइज करिए। ये आ गई मैं अपने इसमें। We'll be right back.
स्टार्ट प्लान बनाती है ताकि आप एक कंप्लीट वॉइस तो कम से कम आए अच्छे से। और मेरा हालांकि आजकल मैं बफर जो ऐप है वो भी यूज करती हूँ, बफर में लगा देती हूँ शेड्यूल जो है वो खराब है।
मेरा 2 आवर स्टडी हो जाए,